हे गाइस, मैं इमरान अजमेर से। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है अभी अजमेर का। थोड़ी सी धूप खिली है तो सब अजमेर वासी सारे और मेहमान जो आते हैं अपने दरगाह शरीफ की तरफ, सब घूमने फिरने आए थे इधर चौपाटी की साइड। आपको मैं बताऊंगा आज अजमेर में कहां कहां अपन घूम सकते आके और पुष्कर का क्या माहौल है अभी। और हमारे चैनल बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाय, मैं जैसे कि आज आपको दिखाने वाला हूँ कि अजमेर में कहाँ कहाँ घूम सकते हो और कहाँ कहाँ अपन अच्छा नाश्ता और ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हो और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और अपने जानने वाले का भी एक रेस्टोरेंट है सैफ्रॉन नाम से, जो पुष्कर रोड के ऊपर है और पास के अंदर ही आना सागर चौपाटी है। ये देखिए आगे, ये मेरे पीछे जो है ये कैफ़े है पूरा सैफ्रॉन। ये अपने दोस्त भाइयों का ही है तो जो भी आ सकता है वो यहाँ आ सकता है। ये चौपाटी बनी हुई देखिए, यहाँ पे आप घूम सकते हैं, फिर सकते भी है। और ये आना सागर है पूरा, व्यू देख सकते हो। शूट काफ़ी शानदार शूट होगा यहाँ पर। जो भी भाई आ सकता है घूमने फिरने आता है अजमेर, अजमेर शरीफ या कोई पुष्कर आता है भाई, तो ये कैफेज बने हुए हैं यहाँ पर। ये सैफ्रॉन दिख रहा होगा आपको सामने, सैफ्रॉन ट्रोव, ये अपना ही है अभी। ये थोड़ा मैं जल्दी बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि अभी बारिश का माहौल हो रहा है, बादल गरज रहे है। और हम जा रहे हैं अभी पुष्कर की तरफ, आपको पुष्कर का व्यू भी दिखाएंगे क्या चल रहा है। और जो भी हमारे चैनल के ऊपर नया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करो। ये तारागढ़ की चोटी दिख रही है क्योंकि तारागढ़ के पीछे वाले साइड पर है हम, जहाँ आना सागर है। ये आना सागर है और आपको एक छोटा सा कैफ़े का टूर भी दे देते हम, तो आपको लगे कि भाई कि किस तरह का कैफ़े जो आउटिंग करना चाहता है और घूमने फिरने आता है, जो जो भी ज़ायरीन भी आता है या कोई घूमने फिरने भी आए, तो थोड़ा सा इसका टूर भी बता देते हैं। ये फ़ोन नंबर है और इस पे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी डिशेस बुक करा सकते हैं। ये गेट है अंदर का और छोटे मोटे व्लॉग के हिसाब से बना रहा हूँ मैं, बाकी अपने जो पुराने वीडियोस चल रहे थे वो तो आएंगे ही। ये रेंटेड प्रॉपर्टी है तो ये पार्टी वार्टी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। छीटे चालू हुआ है, बारिश आना चालू हो चुकी है और अब देखेंगे अपन अंदर चल के क्या क्या है। ये फैमिली टाइप के लिए गाने बंद करा रहे क्योंकि कॉपीराइट का और उसका थोड़ा सा इशू रहता है यूट्यूब के ऊपर। और ये अंदर डीजे है, ये डीजे छोटी पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए भी, जो भी अजमेर के आसपास वाला पार्टीज करना चाहते हैं वो यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं। ये पूरा डीजे काफ़ी हाई साउंड रहता है और पार्टी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं आप। जो शुरू में मैंने नंबर बताया उस पर नंबर पे आप कॉल करें। और बाकी ऊपर आउटिंग के लिए ये ऊपर का ओपन एयर कैफे, जिसमें भी देख सकते हो गीला हो रहा है और बारिश आ रही है। और ये व्यूज देख सकते हो आप, काफ़ी शानदार व्यू है और रात के टाइम तो पूरी लाइट ऑन हो जाती है। हो सका तो मैं इसका एंड के अंदर रात के टाइम भी एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और ये अभी आना सागर की सफाई चल रही है, जो जलकुंभी होती है आना सागर को ख़राब करी थी, तो सफाई चलती रहती है यहाँ पे आना सागर में क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी की आवक है। ये देखिए सब इंतज़ाम है, कूलर भी है, बैठने का इंतज़ाम है और ये सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है। जो भी भाई आ सकता है तो ये अपने पुष्कर रोड पर लक्ष्मी नैन के सामने है। ये ऊपर अपना सेकेंड फ्लोर पर आ गए अपन, यहाँ से जो अजमेर का नज़ारा दिखता है, आना सागर दिखता है वो देखिए आप। ये सामने पुष्कर है, अभी उस साइड ही जाएंगे हम और व्यू दिखाएंगे। और ये है अपना तारागढ़ की पहाड़ी पूरी और ये है आना सागर। पुष्कर की तरफ जाते हुए ये पुष्कर गाड़ी चालू हो चुकी है, देखिए काफ़ी शानदार माहौल हो रहा है। अभी हम थोड़ा रास्ते में रुक गए थे
क्योंकि बारिश चालू हो गई थी, जबकि बारिश बंद हुई और धूप गई, तो ये देखिए रोड कितना चालू है और कितना क्राउड आ रहा जा रहा है। आज संडे है तो आसपास के लोगों के लिए कावड़ यात्रा चालू है, इसके सरोवर का पानी है वो लेके मछलियों को जाके, और ये देखिए पानी बेड़ा भी झरने भी आएंगे आगे, देखो दिखाएंगे। देखो जो भी हमारे चैनल पर नया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काफ़ी शिमला का बस और पगा बना बना ले फोन को। ये देखिए अभी पुष्कर का पहला झरना देखते हुए हम यहाँ पर आए और पूरा बिल्कुल ट्रांजिशन और मस्त क्लाइमेट आ रहा है, हरियाली देखिए। अभी चल रहा आधे घंटे लटके हुए थे यहाँ पर, हरियाली देखिए काफ़ी हरियाली हो रही है अपने पुष्कर एरिया में। ये पुष्कर घाटी है, जो जो भी नया ड्राइवर आवे तो थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाए यहाँ पर, हम तो क्या लोकल है, हम लोग कैसे भी गाड़ी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर पृथ्वीराज स्मारक आ गया है और यहाँ पर काफी भीड़ होती है। चालू गली देख लो, हो कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पर। ये अपना व्यू पॉइंट आ गया और यहाँ पे पुलिस का जाप्ता भी खड़ा है। ये नौसर घाटी है, कौन सी घाटी कहलाती है पता नहीं है, पुष्कर घाटी हमारे को तो पुष्कर घाटी पता है। ये गाड़ी गाड़ी तो ठंडी साथी क्या बोलते ठंडी साथी। और भीड़ देख सकते हैं आज के मौसम में, जो अजमेर के आसपास के रहने वाले अजमेर वाले सारे पिकनिक बनाने निकले ठंडे के दिन, बहुत हरियाली है और बारिश अलग हुआ है ऊपर का सोने पे सुहागा, बारिश सोने पे। ये देखिए काफी शानदार बादल, और हमारे यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ चल रही है उस पर रोड के ऊपर। ये झरना बेता झरना बे नहीं रहा अभी, ऊपर से मैं बताया झरना चालू है, जा रहा हूँ। ये देखिए पुष्कर की घाटी के ऊपर ही है, बाहर गाड़ी लगा के गाड़ी ऊपर तो अंदर देखिए गाड़ी कहाँ लेके आ गया वो भाई। ये हो गाँव का आसपास का झरने वरने देखना है, हम कितने झरने हैं। जूते पहन लिया आना चाहिए था। यार पानी छोटा मोटा पाइपलाइन एक 3 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई बताइए, जो जो है जा रहे उतर उतर के यहाँ से। काफी शानदार देखिए जगह है घूमने लायक, जो भी भाई ट्रैकिंग करने आता है वो यहाँ आ सकता है घूमने फिरने। बारिश का मौसम अलग चल रहा है, पानी अलग हो रहा है, हरियाली काफी। पिछले वर्ष या उससे पहले यहाँ पैंथर चीते काफ़ी थे तो ये बंद कर रखा था। देख कितना ऊपर आ गया वो जो भी हमारे चैनल पर नया है लाइक करे सब्सक्राइब करे, अभी तो और ऊपर चलना मार को, जिसमें थोड़ी वीडियो बनकर रखी थी मैंने वो मेरा सांस फूलने से देखो
पता लग रहा होगा भागते चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आते आते रात हो जाएगी। ये देखिए काफ़ी लोग आ भी रहे ऊपर से, रास्ते में मिल रहे हो तो कह रहे हैं कि आते आते तुम्हारा रात हो जाएगी, संभल के जाओ। ये देखिए पब्लिक आ रही है ऊपर से। काफ़ी ऊपर आ गए हम, ये झरना है पीछे वाला, फोन लगा दो उसको। और ये देखिए सीढ़ी आ चुकी है अब भाई, होता है 5 मिनट का और है। फुल चुकी है हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है, तो ऊपर आ गए सांस से चढ़ने लगी अब काफी ऊपर हाइट। ये झरने की आवाज आ रही है देखिए, पानी बह रहा है। क्या दिक्कत आ गई? चल आ गए। फिटनेस एथलीट की हम जिम वाले लड़कों की हालत खराब हो गई देख लो। मोबाइल नहीं देख लो, देख ली अम्मा क्या कहती जा रही है, मोबाइल बिना मजा नहीं ऊपर। झरने की आवाज आ रही है अब बेचैनी बढ़ रही है कैसा झरना होगा, जैसे गोवा में था दूध सागर वैसा है उससे भी अच्छा है। अभी देख छोटा छोटा पानी बह रहा है, वहां देख नहीं रहा पेड़ों के बीच में बड़ा झरना देख सकते हैं। पसीने पसीने हुआ बारिश के मौसम में, ठंडे मौसम में ये अपना आड़ा और घना जंगल है और लोग बोल रहे कि इधर दिखा रात हो जाएगी तुम्हारे को नीचे आते आते, तो हम मोबाइल में अपने टॉर्च है जला लेंगे, थोड़ा सा और ऊपर है झरने की आवाज़ आ रही है, झरना देखते अब पानी बेरा, ये बेरा यहाँ पे झरना, ये बेरा झरना हल्की हल्की झलक तो आ गई है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी हमारे दोस्तों को सब्सक्राइबरों को। आगे से आगे शेयर करें, जो भी अपने अजमेर आता है जो घूमने फिरने का शौकीन है कांटेक्ट करें, हम घुमा देंगे उनको। ये किला था पुष्कर, ये देखिए हल्का पुल्का झरना दिख रहा है यहाँ पे और बड़ा झरना उधर पीछे तरफ। पानी चल रहा है भाई, भाई चल रहा है, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। ओहो झरना चल रहा है भाई, बता रहे हर हर ये देखे झरना। इस झरने के लिए हम देखो कितना ऊपर चढ़ा, हमारा साथी अंदर को जा रहा है पानी, उधर से नीचे तक पानी जा ही नहीं रहा, इतना झरना दिखाया जो आपको हमने। अब हम वहाँ पर रिटर्न हो गए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा अगर लेट हो गए तो, क्योंकि 6:30 तो अभी हो ही रही है।
जंगल की वजह से घना जंगल है, तो उसके चक्कर के अंदर अंधेरा जल्दी होगा। तो वहाँ पर रिटर्न हो रहे और ऊपर थोड़ा जाके ऊपर मंदिर था, और मंदिर में अपना कुछ काम है नहीं। ये झरने हैं बस, अभी थोड़ी तेज़ बारिश आएगी तो बड़े झरने हो जाएंगे। अब आगे मिलते अपन पुष्कर की तरफ जाएंगे और वहाँ देखेंगे क्या माहौल चल रहा है। हमारे चैनल पे और वीडियो में बने रहे। फाइनली हम नीचे आ गए और आपने देखी हुई हमारी वीडियो, झरना और कैसा घना जंगल था। और ये हमारा अनंता रिसोर्ट है ना, उसके सामने है हम। अनंता रिसोर्ट सामने ही है हमारे, ये पुष्कर रोड की तरफ। ये बाहर आ गए हम, ये देखिए अनंता रिसोर्ट आ गया सामने। रोड कितना चल रहा है। ये पुष्कर के अंदर सनसेट पॉइंट है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है व्यू। और ये हम अंधेरा हो गया हमारे आते आते क्योंकि बारिश हो गई थी। और ये है पुष्कर सरोवर, ये देख सकते हैं। जो भी भाई घूमना आता है और आना चाहता है तो आ सकता है पुष्कर के नाम से। जो भी हमारे चैनल पे नया है वो देख सकता है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। चारों तरफ ये मंदिर है, बावन घाट है, और बाकी ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी अपने आते हैं घूमने फिरने वाले आउटिंग करने के लिए, और फॉरेनर्स भी रहते हैं यहाँ पर। और अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर घूमने लायक। जो भी हमारे चैनल पर नया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यहीं हम अब वीडियो का समाप्त करेंगे। ये हमारा रात के नाइट का व्यू कैफ़े का, जो हमने शुरू में दिखाया था। और ये देख सकते हैं अब म्यूज़िक चालू हो चुके हैं, तो मैं ज़्यादा म्यूज़िक चलाऊँगा नहीं।